नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। अभी की अगर आप देखो तो 80 रुपए का स्टॉक आपका हो चुका है और 1% के करीब की गिरावट स्टॉक में हुई थी। मर्जर की जब से खबर आई तब से स्टॉक में थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे इस वीडियो में, तीन बड़ी खबरें आई हैं, ओवरऑल तीन बहुत बड़ी खबरें आई हैं। इन खबरों का इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर कितना असर पड़ेगा, आपके पोर्टफोलियो पर कितना असर पड़ेगा, अगर आप बाइंग करने जा रहे थे तो क्या आपको बाय करना चाहिए, और अगर आप सेल करने जा रहे थे तो क्या आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या नहीं, कब तक गिरावट होगी और कब तक आपको एक अच्छी रैली जैसे दोबारा से आ रही थी वो रैली आपको दोबारा आते हुए दिखाई देगी, बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे, मैं पहले चार्ट दिखा देता हूँ आपको, इसका चार्ट बहुत खराब नहीं है, तेजी बहुत अच्छे से आई, 1 साल लगातार आपने प्रॉफिट लिया इस स्टॉक में, बहुत अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक ने दिया भी है आपको। लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबल रहा था, उससे पहले वाला जो हफ्ता था वो थोड़ा सा गिरावट में रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो वीक रहा था आपका ये थोड़ा सा गिरावट वाला रहा था, उसके बाद इस हफ्ते में आपकी एक अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई देती है, ये वीक आपका बहुत अच्छा नहीं चला है। ओवरऑल अगर आप देखो तो कंपनी में जितना प्रॉफिट आपको मिला है उतने को लेकर के 1-2 हफ्ता आप निकाल सकते हो कि हाँ ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं कि कंपनी किस दिशा में जा रही, डायरेक्शन क्या है आखिरकार। जब ये बाजार सेटल नहीं हो रहा था, मार्केट आपका ऑल टाइम हाई लगा रहा था, उसी बीच खबर आई कि HDFC बैंक और HDFC का आपका मर्जर हो गया। ठीक है, ओवरऑल अगर आप IDFC की बात करो तो उसको HDFC ट्विंस कहा जाता है, यानी कि IDFC जो है वो HDFC के रास्ते पर ही चल रही है। तो HDFC का अगर मर्जर हुआ तो IDFC ने भी फैसला लिया कि IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक का यहाँ पर मर्जर किया जाएगा। उस खबर के बाद ये वीक आपका थोड़ा सा वोलेटाइल ज्यादा हो गया, वॉल्यूम बहुत तगड़ा आया यहाँ पे और स्टॉक को गिराने की कोशिश हुई। गिराने इन द सेंस कि अगर आप IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक का मर्जर होता है तो 155:100 के रेशियो में शेयर्स को स्वाप किया जाएगा, जिसके पास IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स हैं उनको यहाँ पर शेयर होल्डिंग का बेनिफिट मिल सकता है। अभी के लिए अगर आप देखो तो 80 रुपए का स्टॉक इसका है, और अगर IDFC की बात करें तो 100 रुपीज का स्टॉक उन लोगों का है, तो उनके पास थोड़ा सा अपर हैंड रहेगा, बट आपके लिए फायदा यह है कि आपकी स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो बेहतरीन समय है, क्योंकि आपकी कंपनी छोटी है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स का तो नुकसान होगा बट वैल्यू जो रहेगी उनकी वो बढ़ के मिलेगी, तो यहाँ पर रुकने में अब बहुत ज्यादा फायदा है। तो हर गिरावट में मुझे मैं कहूंगा कि यहाँ पर खरीदारी करने वाला स्टॉक बन चुका है। खबरों पर लेकर के चलूँ, उससे पहले मुझे लगा कि ये क्लैरिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मर्जर हो रहा है, मर्जर से आपको बेनिफिट होगा, उससे नुकसान नहीं होने वाला, तो उसके लिए रेडी रहना। पहले न्यूज हमारी जो सामने आई, वैद्यनाथन साहब की खबर, ये आज ही आई है और अभी इसमें देखेंगे आप। वैद्यनाथन सेड दैट इनोवेशन बाय स्टार्टअप्स एंड फिनटेक इज लीडिंग अ चेंज इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में फिनटेक की बात की थी कि कंपनी को फिनटेक में एंट्री लेनी पड़ेगी, और ये फिनटेक में जा भी रहे हैं। जो इन्होंने पैसा रेज करने की बात कही थी, लगभग 2000 करोड़ के आसपास का फंड रेज करना था इन लोगों को, और वो फंड रेजिंग के दौरान ये फिनटेक में ही एंट्री करते। बट वी वैद्यनाथन साहब को यहाँ पर कहना है कि ओवरऑल अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कि अगर ये मर्जर होता है तो इनके लिए फिनटेक में एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा, कंपनी बड़ी हो जाएगी, इनका ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ जाएगा, और अगर ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ता है तो उसे फिनटेक में एंट्री करना ना सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि इनकी लोन बुक में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा। वही रीजन है कि इस मर्जर को अप्रूवल मिल चुका है ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि अभी कोई मीटिंग होनी उसके बाद होगा, नहीं, कोई रूमर कोई फेक न्यूज यहाँ पर नहीं आएगी, सीधा यहाँ पर फैसला सुना दिया गया है कि आपका जो मर्जर है वो फाइनलाइज हो चुका है, और आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द जो डेट है एसेट्स का स्वाप यहाँ पर हो जाएगा, और शेयर्स का भी स्वाप यहाँ पर बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा आपको। नीचे आप देखेंगे इसी आर्टिकल में तो फिनटेक्स एंड बैंक्स, ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स इन इंडिया हैव पार्टनरशिप इन प्लेस विद फिनटेक कंपनीज। फॉर एग्जांपल HDFC के पास द कंट्रीज प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज पार्टनरशिप इन प्लेस विद कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट के पास उनकी पार्टनरशिप है क्लाउड स्टोरेज के लिए, मिंटोक फॉर लेंडिंग टू माइक्रो MSME के मिंटोक के साथ फाइनेंस उनकी पार्टनरशिप है MSME को लोन देने के लिए। इसी तरह से अगर आप देखेंगे फेडरल बैंक हैज पार्टनरशिप प्लेस विद नियो बैंक्स, फेडरल बैंक की जो पार्टनरशिप नियो बैंक्स के साथ है लाइक फाई जुपिटर, इनके साथ पार्टनरशिप है इनकी। इसी की वजह से अदर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर आप देखो तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी पार्टनरशिप है विद इंटेलेक्ट टू बूस्ट ट्रांजेक्शन बैंकिंग। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो यही चीज IDFC फर्स्ट बैंक, मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले ही भी बताया था कि फिनटेक में इनको एंट्री चाहिए, और फिनटेक में एंट्री लेने के लिए ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए इस समय इनके पास पैसा नहीं है उतना, और फंड रेज किया गया था, बट जो चीज मर्जर कर सकती है क्योंकि इनकी ना सिर्फ एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी उससे बल्कि इनका कस्टमर बेस भी अपने आप बढ़ जाएगा, जो कि फिनटेक में एंट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही रीजन है कि इस मर्जर को मंजूरी मिली और इससे फिनटेक में एंट्री आसान होगी, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक में एक बहुत अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई आपको दिखाई देगी। अब बात करें क्वार्टर वन नंबर की, क्वार्टरली नंबर भी आपके आ चुके हैं और क्वार्टरली नंबर बहुत ही गजब के रहे, चौंकाने वाले नंबर यहाँ पर आए, मुझे नहीं लगा था कि इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी, एंड स्पेशली अगर लोन्स बुक में अगर आप देखें तो वहां पर IDFC फर्स्ट बैंक रिकॉर्ड 25% के आसपास की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस में, डिपॉजिट में 44% की
इस वजह से कल के बाजार में 2% के चढ़ा चढ़ करके आपका स्टॉक बंद हुआ। क्वार्टरली नंबर हम डिस्कस करें उससे पहले दो तीन चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप देखिए कि लोन बुक की, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि लोन बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वही रीजन है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो पीएनबी ने अमूल के साथ पार्टनरशिप की। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको, क्योंकि दूसरे बैंक में क्या हो रहा है और आपका बैंक जिसमें आपने निवेश किया हो वो क्या कर रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर लोन बुक को और ज्यादा ग्रो करना चाह रहा है। यही रीजन है कि फिनटेक में जा रहा, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी को साथ मिला करके इनको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और इनका कस्टमर बेस बढ़ाना पड़ेगा। अभी के लिए अगर आप देखो तो एज पर द रेगुलेटरी फाइलिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लोन एडवांसेस यहाँ पर जो रहे वो 1,71,000 करोड़ के आसपास रहे, राइजिंग 25%, लगभग 25% ये बढ़े हैं फ्रॉम 1,37,663 करोड़ से, ये लोग बढ़ करके 1,71,000 के करीब में पहुंच गए हैं। हाउएवर द ग्रोथ वॉज एट ए सिंगल डिजिट 6.7% सिक्वेंशली। अब 25% तो बढ़े हैं बट इसके बावजूद भी जो ग्रोथ रेट रहा है इनका वो 6.5% के आसपास रहा है, जो कि कम है, और यही कारण है कि मर्जर यहाँ पर होगा। तो रीजन क्या है, आप देख रहे हो कि कंपनी आपकी ग्रो कर रही है, कंपनी में बहुत अच्छी चीजें हो रही है, कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है, कंपनी के लोन बुक भी ग्रो कर रही है, कंपनी की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, बट स्टिल जो ग्रोथ रेट है उसका, जैसे मैंने आपको लास्ट लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका एचडीएफसी बन सकता है, तो उस रेट में ग्रो करना पड़ेगा ना आपको। आपको 10% से काम नहीं चलेगा, आपको 12% से काम नहीं चलेगा, आपको 16% जाना पड़ेगा यहाँ पे अगर आपको एचडीएफसी बैंक बनना है तो। और इस समय अगर आप इनके लोन बुक की ग्रोथ देखोगे तो 6.5% के आसपास की है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसी वजह से मर्जर किया जा रहा है, और मर्जर से आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और अभी भी अगर आप देखो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सिंगल हैंडेडली यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने वाला स्टॉक तो है ही। टारगेट की बात करें तो जो आपका पहला टारगेट होने वाला है दैट इज अराउंड 86 रुपीज के आसपास का पहला टारगेट लेकर के चलिए, और 104 रुपए का दूसरा टारगेट यहाँ पर रहेगा। जब तक मर्जर नहीं होता तब तक के स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। एक और चीज यहाँ पर हो रही है कि जब भी इस तरह के मर्जर अनाउंस होते हैं और मर्जर से अगर बेनिफिट होने वाला होता है तो स्टॉक में लगातार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और वो प्रॉफिट बुकिंग बहुत मैनिपुलेटिव रहती है, इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर थोड़े से पैनिक में आकर के वो भी स्टॉक को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो गलती आप मत करना, मार्केट को समझो कि मार्केट किस तरह से काम करता है और मार्केट में किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। जब भी मर्जर होता है, जब भी इस तरह के अनाउंसमेंट आते हैं, आपको पता है कि उस स्टॉक में आपको रैली मिलेगी ही मिलेगी। इवन अगर आप मूवीज भी देखते हो तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि मर्जर होगा तो स्टॉक भागेगा आपका, उसके बावजूद भी यहाँ पर गिरावट हो रही है। रीजन यही है कि यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर जो है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ताकि स्टॉक आपका नीचे आए और नीचे लेवल पर बाय कर सकें। तो वो गलती कम से कम आप मत करना, आप यहाँ पे पैनिक में आकर के अपना प्रॉफिट बुक मत करना, स्टॉक्स को बेचना नहीं है। मुझे लगता है कि ये खरीदारी करने का टाइम है, अगर भी गिरावट होती भी हो तो बाय ऑन डिप से आप खरीदारी कर सकते हो, एक्युमुलेट कर सकते हो, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी का मर्जर होगा तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी कि आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना, वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो, अगर पूछना हो तो। थैंक यू।